नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यमी क्रेविंग्स विथ आरएनडी। आज हम देखने जा रहे हैं पम्पकिन सूप की रेसिपी। तो इसके लिए हमें लगेगा लगभग 500 ग्राम्स ऑफ पम्पकिन, 2 टीस्पून सॉल्ट, फिर मैंने सूप सीजनिंग लिया हुआ है, हमें ब्लैक पेपर लगेंगे, फिर मैंने एक लेमन लिया हुआ है विच इज़ ऑप्शनल, अगर आप खट्टा स्वाद चाहते हैं तो आप लेमन यूज़ कर सकते हैं, मैंने एक प्याज लिया हुआ है, मैंने एक लहसुन लिया हुआ है जिससे हम 4 से 5 लहसुन की फलियां यूज़ करेंगे, फिर मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा यूज़ किया हुआ है, मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया हुआ है और मैंने फ्रेश क्रीम लिया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कद्दू को लगभग 1 से 1.5 इंच टुकड़ों में काट लेंगे। मैंने 500 ग्राम्स ऑफ कद्दू यूज़ किया हुआ है। इसी तरह हम प्याज को भी अच्छे से काट लेंगे। फिर मैंने लहसुन की 5 फलियां ली है जिसका मैंने छिलका निकाल दिया है। मैंने दालचीनी के भी छोटे टुकड़े कर लिए हैं और मैंने लगभग 15 से 20 ब्लैक पेपर के सीड्स लिए हुए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हम एक नॉनस्टिक फ्राई पैन लेंगे और उसे गैस पर रख देंगे। गैस को मीडियम से हाई फ्लेम पर रखेंगे। पैन में हम 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे और जैसे ही बटर मेल्ट होता है हम उसमें दालचीनी, ब्लैक पेपर, लहसुन, प्याज और कद्दू ऐड कर देंगे। हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और लिड को क्लोज करके लगभग 5 मिनट तक पकने देंगे। इस रेसिपी का प्रिपरेशन टाइम लगभग 15 मिनट का है और कुकिंग टाइम 15 से 20 मिनट का, यानी कि कुल मिला के 40 मिनट में आपकी रेसिपी रेडी हो जाती है। हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस पैन में 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे और 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। दोस्तों, आप अपने स्वादानुसार नमक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। हम लिड को क्लोज कर देंगे और लगभग 15 मिनट तक कद्दू को पकने देंगे। हमें अच्छे से कद्दू को बॉईल होने देना है। हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और लिड को क्लोज कर देंगे। 15 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और पैन को नीचे उतार लेंगे। दोस्तों, अब हम हैंड ब्लेंडर के सहारे सूप को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, जिससे कद्दू के जो मोटे मोटे पीसेस हमने अभी बॉईल करके लिए थे वो अच्छे से मैश हो जाए और हमें एक स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला सूप मिल जाए। हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। दोस्तों, ध्यान रहे, सूप गर्म है तो ब्लेंड करते वक्त आप ध्यान रखिए, वरना गर्म सूप आपके बॉडी पर उड़ सकता है। हम एक बार मिक्स कर लेंगे और अब हम सूप सीजनिंग डालेंगे। हम अच्छे से फिर से चला लेंगे और अब हम फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। उसके बाद हम पुदीने के पत्ते से गार्निश करेंगे और लो, बन गया हमारा टेस्टी पम्पकिन सूप रेडी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूलिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो कीप वॉचिंग यमी क्रेविंग्स विद आरएनडी। थैंक यू सो मच।